हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी। अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है बेसिकली, और अभी मैं आ गई हूँ माता जी के दरबार में। आप लोग भी अपनी हाजिरी लगा सकते हो। और आज तैलान साहब ने भोग नहीं लगाया है, यानी पूजा नहीं की है, तो वो काम मॉर्निंग का जो है कभी मेरा होता है, कभी उनका होता है। तो बस सारे जो बर्तन वगैरह पूजा के हैं वो साफ़ किए हैं, अभी मैं पूजा करूँगी और उसके बाद फिर मेरा किचन का किचन में जाऊँगी। तैलन साहब भी उठ जाएंगे, तब तक बेसिकली उठ तो गए हैं लेकिन अपना बिस्तर नहीं छोड़ा है, तो वो भी उठ जाएंगे। फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनेगा और लक्की भी उठ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी। और आप लोगों का क्या रूटीन है मॉर्निंग का, आप लोग मेरे साथ कमेंट में ज़रूर से शेयर किया करो। तो अभी आप लोग भी भगवान की जय कर सकते हो। तो आज तो शायद धूप निकलेगी नहीं, कुछ ऐसा सा फील हो रहा है। और बाकी ठंड तो आज बेसिकली हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। तो अभी बस पूजा करके और फूल चढ़ा दिए हैं, अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में जो बर्तन रात को मैंने साफ़ करके रखे थे, दो चार ही होते हैं बास्केट में, नहीं तो मैं रात बड़े बर्तन होते तो साफ़ करके रात को और कपड़े से उसको पोंछ के और कबर में रख देती हूँ। तो यहाँ वैसे छोटे बर्तन हैं उनको मैं, जैसे चॉपर वगैरह, उनको मैं एडजस्ट कर दूँगी जहाँ वो रखे हुए होते हैं। और अभी तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और फिर हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी। तो क्योंकि वे अभी उठे हैं तो उनको शायद 1 घंटा तो आराम से लग जाएंगे, लग जाएगा। फ्रेश भी होंगे और फिर लक्की को ऊपर लेके जाएंगे। तो लक्की साहब जो है वो तैलान साहब के साथ ही ऊपर छत पे जाता है, मेरे साथ वो जाता नहीं है। और बस यहाँ पे तैलन साहब भी उठ गए तो मैं उनसे हेलो हाय यानी गुड मॉर्निंग जय माता दी बोल रही हूँ। तो अभी मैं बना लूँगी चाय, और भाई जिसको चाय पीनी हो वो आप आ जाओ। तो बेसिकली चाय में ना मैं आधा चम्मच गाय का घी डाल के लेती हूँ जब मैं चाय लेती हूँ सवेरे सवेरे। तो ये चाय की पत्ती जो है वो डब्बे में थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैं खाली बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ चाय को। नमक का, नमक की वो जो हांडी सी बना रखी वो, या कोई मसाला है या चाय पत्ती है या खांड है, थोड़ी सी रहती है ना, तभी मैं उसको भर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। तो चाय का जो डब्बा है वो, उसमें थोड़ी सी चाय रह गई है, और एडवांस में मैं रखती हूँ सारी चीज़ें, एडवांस में रखती हूँ ताकि एकदम से ख़त्म हो। मेरी बेसिकली ये आदत नहीं है कि भाई चीज़ें ख़त्म होगी और फिर मैं बोलूँ बच्चों को या हस्बैंड को, बोलूँ ये चीज़ ख़त्म होगी जाके लेके आओ, मेरी वो कभी भी आदत नहीं रही। क्योंकि मेरी माँ को भी मैंने ऐसे ही देखा था, मेरी सासू माँ को भी ऐसे ही देखती आ रही हूँ मैं, तो वो भी, वो दोनों ही सच में, उन दोनों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो उन्हीं के मतलब जो उन्होंने अपना अपनी लाइफ में, उसी तरीके से मैं चल रही हूँ। और आधी लड़ाई तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और मेरे हस्बैंड को तो रहता ये है कि एडवांस में क्यों नहीं मंगाती है, मैं नहीं लेके आता। तो और मेरी खुद की भी आदत ऐसी ही है, मुझे ये पसंद बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सामान ख़त्म हो गया और गेस्ट आए तब बोले जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ। मैंने बहुत सी जगह देखा है। तो लेकिन मैं एडवांस में रखती हूँ अब, जैसे पहले तो 3-4 महीने का इकट्ठा सामान ले आते थे, अब 1 महीने का एडवांस सामान मैं रखती हूँ। और घी वगैरह तो है ना मेरे पास काफ़ी सारा रखा ही रहता है, जैसे खांड भी है, गुड़ भी है और शक्कर भी है, ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ तो वो मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। तो वो चीज़ें मेरे पास 4-4 5-5 महीने की रखी रहती हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने काम में व्यस्त भी होंगे। और आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। मौसम की थोड़ी जानकारी दे देती हूँ, और जो कि मैं डेली बताती हूँ आप लोगों को, भाई हमारे यहाँ तो धूप निकलेगी नहीं, बेसिकली बारिश का मौसम हो रहा है। और कल भी धूप नहीं निकली थी, तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय और घी डाल के मैं उसको ले आऊंगी। और नहाना धोना हो गया है, भगवान के दरबार में हाजिरी भी लगा दी है, आप लोग भी लगा सकते हो। और वीडियो अपलोड कर दी है और सारा झाड़ू पोछा हो गया है।
अब मैं बना रही हूँ एक कप चाय और एक पति देव का इंतजार कर रही थी। वो तो भाई उसका तो क्या ही बोले, उसके वेट में तो अभी देखो टाइम कितना हो गया, 11 बज गए हैं। मैं किस टाइम पीऊंगी चाय? तो वो चाय के साथ कुछ चटरपटर ले लेंगे, उसका पेट फुल। और मैं उठी थी 6:45 बजे, पानी आया था तब की उठी। तो मेरे को लग जाती है भूख, और लेट उठती हूँ तो नहीं लगती है। तो अभी मैं ये चाय लूँगी और आपको पी लूँगी, तो आप लोग आ जाओ भाई। अभी चाय पीती देखूंगी बिग बॉस, और फिर मैं आज मेरे को बेसिकली ये जो है 4 लीटर दूध ले रखा है, और मैंने बनाना है गाजर का हलवा। और हलवे की रेसिपी बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, तो आज वो काम है। और कुछ एक कटोरा भर के मलाई है, वो भी मैं गाजर के हलवे में डालूंगी बेसिकली। फिर मैं घी नहीं डालूंगी, तो वो मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय। और भाई आप लोगों ने पीनी है तो पी लो। देखो सिर्फ मैं इतनी सी चाय लेती हूँ, आपको दिख रही होगी, तो ये चाय मेरे लिए सफिशिएंट है। तो और वो भी मैं बस ठंड है तो इसलिए ले रही हूँ, बाकी तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ चाय को। तो चलिए चाय पी लेते हैं और बिग बॉस देख लेते हैं। और फिर यहाँ का ये जो है सामान जो है गुड्डी ने भेजा था कल, तो इसको मैं समेटूंगी। ये सारे डब्बे उसके पास गए हुए थे, इतने ओट जा चुके हैं, तो मैं दिखाती हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये वाले डब्बे ये सारे मैं रखूंगी। और तो भाई चलो चाय पी लेते हैं और बिग बॉस का एंजॉय करते हैं। और बाकी तो भाई आज वही है कि तलन साहब की छुट्टी पड़ी है, तो सारा दिन ऐसे चलता रहता है। तो अभी चाय पी लेते हैं और फिर बाकी काम करते हैं। देखो ये मैं 2 किलो गाजर ली थी और इसमें मलाई डाली है अच्छी सारी, 1 बोल भर के, और दूध डाला है तकरीबन 1.5 किलो, और इसमें डाल दिया मैंने गुड़, और ये बहुत हेल्दी बनेगा। और डायरेक्ट दूध में ना गाजर डाल के तब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। अच्छा भाई वेट बढ़ गया है मेरा, बता देती हूँ हैं, तो आज से चाय जब गले में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो लेऊँगी, नहीं तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं लेऊँगी। और ना करते भी थोड़ा बहुत मीठा खाया जाता है, तो आज से जो है मीठा कंट्रोल करेंगे भाई। और यहाँ पर मैंने बना लिया अपनी ब्लैक कॉफ़ी, ये देखो, तो ये पीऊँगी और साथ साथ ये बनाऊँगी। और ये देखो लकी कैसे देख रहा है कि किससे बातें कर रही है मामा, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है मामा? पापा ऊपर गए, जा तू भी जा, फिर जाता तो नहीं है, जाओ फिर जाओ जाओ। तो इसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में जब दूध में गाजर उबालते हैं, तो अब ये हो जाता है। अब यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, एक सैंडविच की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल, और बहुत जल्दी बनने वाले ये सैंडविच है, लेकिन लगते बहुत टेस्टी हैं। अब उनके लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें ना मैं हरी मिर्च काट के नहीं रखूँगी, बाकी हरी मिर्च काट बारीक बारीक काट के अगर रखोगे ना इसमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, जिसको स्पाइसी चाहिए ना तो वो हरी मिर्च काट के ज़रूर रखे इसमें। अब यहाँ पर जो टमेटो सॉस है वो मैंने लगा दी है, और ये जो चीज़ स्लाइस आपके पास तो चीज़ स्लाइस रख सकते हो, मेरे पास चीज़ स्लाइस ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे चीज़ क्यूब्स हैं उनको कस के और फिर मैं डालूँगी। और इसमें ना कोई भी आप सब्जी ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, कोई भी है ना जो मसाले वगैरह हैं कोई भी आप यूज़ कर सकते हो।
मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स का यूज़ करूँगी। आप कोई भी जैसे मैगी मसाला है आप वो यूज़ कर सकते हो, है ना, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और ये जो सैंडविच है ना, ये बहुत जल्दी बनने वाले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले ये सैंडविच बन जाते हैं। और पनीर को क्रश करके आप लगा सकते हो, आलू के साथ चीज़ लगा सकते हो। कई सारी जो सैंडविच की रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली ये जो सैंडविच है ना, ये मैंने अपनी बेटी से सीखे थे अलग अलग तरीके के सैंडविच बनाने। वो जो सैंडविच है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और पास्ता और मसाले वाली बेसिकली फ्राइड जो मैगी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है वो। और उसी से ये चीज़ें मैंने सीखी थी। अब सीखी थी तो वो मैं जब भी मेरे को ये होता है कि कुछ और जैसे मीठी मीठी सी भूख लगी हुई होती है, या भी ब्रेकफास्ट में पोहा इडली वगैरह खाने का मन नहीं है, और ये जो ब्रेड है ना वो मैं आटा ब्रेड रखती हूँ, या फिर जो ब्राउन ब्रेड होती है ना मल्टीग्रेन की वो मैं रखती हूँ, तो उसी से मैं, क्योंकि बीच बीच में ना मेरे को लक्की को खिलानी पड़ती हैं, तो बीच बीच में मैं ऐसे सैंडविच बना लेती हूँ। और वो बेटी तो जो है ना वो बहुत तरीके के सैंडविच बनाती है, और एक खाली कच्ची सब्जी के भी सैंडविच वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। जैसे हॉट डॉग में टेस्ट आता है ना, बर्गर में टेस्ट आता है, सेम वैसा ही टेस्ट उसके सैंडविच में कई बार हॉट डॉग बना लेती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वही टेस्ट आ जाता है। तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती, उतने उस जितने टेस्टी तो मैं नहीं बना पाती, हाँ लेकिन मेरी कोशिश रहती है। तो होता है ना कि भी सीखने कोई उम्र नहीं होती है, तो बस वही चीज़ें मैं मतलब सीखती रहती हूँ। आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, जहाँ से मुझे सीखने को जो कुछ मिलता है ना मैं उसको उठा लेती हूँ और वो मैं ट्राई करती हूँ, और बेसिकली मुझे पसंद आ जाता है तो मैं उसको रूटीन में शामिल कर लेती हूँ। हाँ मुझे पसंद नहीं आता तो फिर मैं रूटीन में शामिल उसको नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पति देव जो है ना वो बड़े नखरीले हैं, तो वो ना एक जैसे पूरे डब्बे में है ना सब तरह की मिठाई होती है ना, और वो मावे की जो बर्फ़ी है खाली उसी को पसंद करेंगे, या काजू कतली होती है ना उसी को पसंद करेंगे, बाकी और जो मिठाई उनको पसंद कम करेंगे, तो उसका मेरे को स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। तो जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं फिर उसी को रूटीन में शामिल करती हूँ। तो उनके लिए दो सैंडविच मैं बना दिए हैं, और मैं यहाँ पर अपने लिए विदाउट शुगर कॉफ़ी बनाऊंगी। और अभी थोड़ी सी शाम का टाइम है बेसिकली, तो ये चीज़ें मैं बना रही हूँ। और फिर मैं जाऊँगी छत पर घूमने के लिए, आजकल मैं पार्क में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पार्क में एक तो पार्क के सामने ना कूड़ा डालने लगे, वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है, तो एक तो स्मेल की वजह से, दूसरा ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं पार्क में नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पे जो चाय बना दी है और अपने लिए विदाउट शुगर कॉफ़ी बना ली है, तो आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना बढ़िया, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। अभी आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे मैं थोड़ा सा टहल लूँगी, थोड़ा सा नहीं पूरा एक घंटा, और विदाउट शुगर कॉफ़ी पी के आई हूँ हस्बैंड जी के साथ के लिए। जब वो पीते हैं ना फिर ये होता है कि साथ मिल गया, तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और अभी एक घंटा स्पीड से मैं घूमूंगी और फिर मैं जाऊंगी नीचे। और आज के खाने में क्या बनेगा, मैंने तो खाई है दोपहर में, यानी 2 बजे के आसपास खाई थी खिचड़ी और लस्सी, और मेरे को तो भाई बहुत मजा आ गया। और हस्बैंड जी के लिए अभी सैंडविच बनाए, और शाम को मैं बनाऊंगी चटनी, चटनी खाई कई दिन हो गई है तो बनाऊंगी मैं चटनी रोटी, और देखते हैं शायद पर्ल मिलेट की रोटी बनाऊंगी। और बाकी तो अभी मैं घूमती हूँ छत पे, और पार्क में है ना जाना नहीं बन रहा क्योंकि ठंड भाई बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, सूर्य भगवान अभी दर्शन दे ही नहीं रहे हैं, तो पार्क में नहीं जा पा रही, तो अभी छत पे घूमना तो बनता है। और आज मैंने पूरे 10 से 12 दिन में मैंने एक्सरसाइज की है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की है, कल थोड़ी सी हार्ड करूँगी, और परसों से फिर मेरा वही रूटीन हो जाएगा। तो अभी चलो छत पे मैं दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रखा है। मैं गेट खोल, देखो ये ऐसा मौसम हो रखा है।
धूप बिल्कुल भी नहीं है, सबके कपड़े ना छत पे ऊपर फैले हुए हैं। ये देखो सूर्य भगवान पता ही ना कहाँ है, कहाँ टाटा बाय बाय करके, और ऐसा करके मौसम है, सबकी छत पे कपड़े सूखते हुए मिलेंगे। मेरे कुछ नीचे वाली छत पे सूख रहे हैं, कुछ लकी के कपड़े सुखा दिए हैं, और परसों भी धोए थे, आज भी कुछ दिक्कत हो गई थी उसको, तो इसलिए धोने पड़ेंगे। और उधर देखो सबकी छत पे सूखते हुए मिलेंगे। तो भाई अभी घूमते हैं यहाँ पे, और एक घंटा तो नहीं घूम पाऊँगी भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो जितना भी घूमा जाएगा उतना मैं घूमती हूँ। अभी टाइम हो गया है 7:45 और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। बेसिकली जल्दी सोना है क्योंकि मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो सवेरे 3:30-4:15 बजे उठना है। तो खाना पीना सारा हो गया है, लकी को भी खिला दिया है, हस्बैंड ने मल्टीग्रेन रोटी खाई थी, मैंने बाजरे की रोटी खाई थी और लाल मिर्च की चटनी बनाई थी। और ये जो लाल मिर्च की मैं दिखाती हूँ आपको, कौन से वाली, ये जो लाल मिर्च है ना, इसकी चटनी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी मैं कल देऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे हल्दी वाला दूध उबलने लग रहा है मेरे हस्बैंड के लिए, और ये आज मैं भी हल्दी वाला दूध ही पीऊँगी। और किचन सारी समेट दी है और बाकी कंप्लीट काम हो गया है। अभी मैं पीऊँगी दूध और एक वीडियो की एडिटिंग करूँगी, एक जो शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड करूँगी, जो 8 बजे अपलोडिंग पे लगाती हूँ मैं। और कई बार नेट का इशू होता है तो कई बार 9 बज जाते हैं, तो अभी ये काम करूँगी और बेटे की कॉल आ जाएगी फिर उससे बात करूँगी। तो ये काम है, मतलब एक घंटा मेरा एडिटिंग वगैरह में और इसमें लग जाएगा। तो चलो अभी पीते हैं दूध, और इस के साथ ही मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा, और फिर मिलूंगी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। बाय बाय।